अचानक आज इनकी डेथ हो गई और हमने तो कई जगह कोशिश करी कि कोई मदद के लिए मिले, इनकी मदद के लिए कोई मिला नहीं। हम कई जगह गए, कोई नहीं मिला, इसलिए आपके तरफ से हम गए। शहीद भक्ति सेवा दल नाम की संस्था है, 15 मिनट के अंदर उनकी सेवा मिली है। गाड़ी भी उनकी आती है, संस्कार भी कराते हैं, लकड़ी भी निःशुल्क वो देते हैं। लोग तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में रहते हैं, करोड़ों रुपए की कार में चलते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी लावारिस बॉडी जलाने वाला नहीं है। चार कंधे भी ना मिलने किसी को मौत के बाद, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। आज 21 मई दिन शनिवार 2022, आज भी राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं। लोग तो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में रहते हैं, करोड़ों रुपए की कार में चलते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी लावारिस बॉडी अगर परिवार नहीं है तो कोई जलाने वाला नहीं है। इन्होंने कई जगह अप्रोच करी प्रशासन को दाएं बाएं, लेकिन कोई जब साधन नहीं मिला तो इनको एक ही चारा नज़र आया, वो था शहीद भगत सिंह सेवा दल। इस समय हम खड़े हैं शमशान घाट के अंदर और हमें एक फ़ोन आया कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी मौत हो गई है। ना तो उनका कोई घरबार है, ना कोई परिवार है। अंतिम संस्कार के लिए जो उनके नेबर्स थे, उनके पड़ोसी थे, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब हमने कई जगह फ़ोन किया लेकिन डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। चूँकि शहीद भगत सिंह सेवा दल ऐसी डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करता है जो बेसहारा असहाय होती हैं, अनक्लेम्ड होती हैं, आज भी दिल्ली शहर में ऐसे परिवार, ऐसे लोग होते हैं। दो वक्त की रोटी तो दूर, अगर उनकी मौत हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए चार कंधे नहीं मिलते, अंतिम संस्कार भी उनका नहीं हो पाता। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल उनका परिवार बनकर आगे आता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जैसे हमको पता लगा और हम अपनी पूरी वॉरियर की टीम लेके यहाँ पे आए, उनको घर से बॉडी को मैनेज किया, बॉडी को सैनिटाइज किया, बॉडी को पैक किया और अब हम लेके आए हैं सीमापुरी शमशान घाट में इनका दाह संस्कार करने। और हम इनका कोई खर्चा नहीं होने देंगे। कोई करने वाला नहीं था, उन सबका फ़ोन आया तो हम पहुँचे और हमारी टीम ने डेड बॉडी को सैनिटाइज करके पैक किया, अपनी एम्बुलेंस में हम शमशान घाट लाए। क्योंकि इनको पता नहीं था कि डेड बॉडी को कैसे टैकल करना है, कैसे अंतिम संस्कार होता है। कई परिवार हैं उन्हें पता नहीं होता कि अंतिम संस्कार कैसे करना है, इसीलिए अब हम इनको लाए और उनकी आत्मा की शांति के लिए अब इनका अंतिम संस्कार भी हम करेंगे और इसके बाद जो उनके फूल चुने जाएंगे कल, वो सेवा भी हम निभाएंगे और इनके जो फूल हैं वो गंगा जी जाकर हम प्रवाहित करेंगे। एक बुज़ुर्ग आदमी है, अचानक आज इनकी डेथ हो गई और हमने तो कई जगह कोशिश करी कि कोई मदद के लिए मिले, इनकी मदद के लिए कोई मिला नहीं। हमारे कॉलोनी के दो चार बंदे थे, वही हमारे साथ देने वाले रहे, लेकिन संस्कार करना और उसमें पैसा खर्च होना, इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो हमने देखा शहीद भक्ति सेवा दल नाम की संस्था है जिसने 60-70 हज़ार से ज़्यादा बॉडियों का संस्कार किया है। उनको कॉल करा हमने, जितेंद्र शेट्टी जी को, वो आए, साथ में भी उनके जो बेटे जो जोत श्री वो भी आए और उसके बाद वो संस्कार यहाँ पहुँचे और हेल्प कर रहे हैं और हमें एकदम निःशुल्क मदद मिली है। विद इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर उनकी सेवा मिली है। गाड़ी भी उनकी आती है, संस्कार भी कराते हैं, लकड़ी भी निःशुल्क वो देते हैं और जो भी छोटा मोटा अगर खर्चे जो पड़ जाए वो भी बड़ी जैसे करवाते हैं लोग। आपके सिवा कोई नहीं यहाँ पे? यहाँ हम कई जगह गए, कोई नहीं मिला,
इसलिए आपके दरवाजे हम गए। हमारा एक प्रण है, किसी की भी अगर डेथ हो जाए, मौत हो जाए, तो डिग्निटी इन डेथ, यानी उनके रीति रिवाजों से, मान सम्मान से, चार कंधों पर ले जाकर उनकी अंतिम सेवा निभाना। आपकी निगाह में भी कोई ऐसी डेड बॉडी मिलती है पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर, तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को फोन कर सकते हैं। आपके आसपास भी कोई बेसहारा असहाय हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका परिवार बनकर हम सेवा में हमेशा खड़े हैं। जिसका कोई नहीं उसका शहीद भगत सिंह सेवा दल है। ये सेवा जारी थी, जारी रही। Thank you.